सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। देवरिया, यूपी बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। इसमें चंद दिन शेष हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है, लेकिन मौसम की मार ने छात्र छात्राओं के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। करीब 23 दिन से गलन व ठंड से माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं व 12वीं की कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम रही। इसका असर उनकी तैयारियों पर पड़ा है। अधिकतर जगहों पर कोर्स पूरे नहीं हो सके हैं। वहीं करीब 45 विद्यालयों में बाह्य परीक्षकों के न आने से इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसकी रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी है। माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2017 से 18 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। नगर निकाय चुनाव की वजह से शहर के कई माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित रही। पिछले माह से ठंड भी अपने शबाब पर है। शिक्षकों की कमी व ठंड के कारण अधिकतर विद्यालयों में कोर्स पूरे नहीं हो सके हैं। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने 31 दिसंबर तक कोर्स पूरा करने का निर्देश दिया था। मौसम की बेरुखी का असर यह रहा कि कक्षाओं से छात्र छात्राएं नदारद रहीं, जबकि शैक्षिक सत्र के लिए 224 दिन निर्धारित है, जो पूरा नहीं हो सका। अभी भी कई जगहों पर विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषयों के पाठ्यक्रम पूरा कराने की जद्दोजहद चल रही है। कई जगहों पर शिक्षक अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में कमजोर बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराने की तैयारी है। इसके अलावा जिन विषयों के कोर्स पूरे हो गए हैं, उन विषयों के बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर मॉडल प्रश्न पत्रों को हल कराया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार ने परीक्षा जल्द कराकर समय से परिणाम घोषित करने के चक्कर में पढ़ाई के दिन कम कर दिए। 13 जनवरी तक सभी विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूर्ण कराने का निर्देश था, लेकिन कई जगहों पर बाह्य परीक्षक नहीं पहुंचे। उत्तर पुस्तिकाओं की पहुंच रही खेप। जिले में उत्तर पुस्तिकाओं की खेप पहुंच रही है। इसी सप्ताह 256 परीक्षा केंद्रों को इसका वितरण भी शुरू हो जाएगा। वहीं बोर्ड से प्रश्न पत्र भी जल्द आने की उम्मीद है, हालांकि इसकी सूचना अभी नहीं आई है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों का सत्यापन कराया जा रहा है। इस कार्य में जीआईसी के प्रधानाचार्य पीके शर्मा, उप प्रधानाचार्य महेंद्र प्रसाद समेत आधा दर्जन लोग लगे हैं। 31 दिसंबर 2017 तक कोर्स पूरा कराने के लिए सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए थे। उनसे कहा गया था कि छुट्टियों का भी वे उपयोग कर लें। मौसम खराब होने के बावजूद 8वीं तक के बच्चों की ही छुट्टी रखी गई। प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए जाएंगे। शिवचंद राम, जिला विद्यालय निरीक्षक।